मेरी थिंकिंग अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पहले शायद मैं समझता कि देश की नींद जो है वो अलग है। बड़ी खुशी थी हम लोग प्रेसिडेंट के चुनाव जो है पहले ही हो जाए, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जो है ऑपोजिशन पार्टी का पहले ही तय हो जाए। कई लोगों ने कोशिश, अगर वो कोशिश कामयाब होती तो शायद मेरे ख्याल से आज राष्ट्रपति जो है वो विरोधी पार्टियों का राष्ट्रपति होता, ये दावे के साथ करना होता। कांग्रेस पार्टी ने यूनिटी बुलाने के लिए सबसे बड़ी विरोधी दल वही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे भी बुलाती यही एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा मैं मान करता हूँ। और इसलिए मैं शरद यादव जी से आग्रह करता हूँ, उन्होंने जो आपने हाथ में ली है आप इस जोर पर छोड़िए। क्योंकि ये एक लड़ाई है जो पहले लड़ चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार। अगर इतिहास के अगर वो हम देखते हैं 40 से 50 तक दो विचारधाराओं का टकराव हुआ था, आज की कोई होता अगर इन दो विचारों का मोटी मोटी बातों में करना शुरुआत करूं तो ये कहूंगा कि आरएसएस बीजेपी जो है वो बड़े हिंदू धर्म मान कि जिसकी बुनियाद बनवा मनुष्य इस देश में जितने भी नेता थे उनका ये विचार था कि जो संतों का हिंदू धर्म जो है वही संतों का हिंदू धर्म जो है संविधान का आधार होना चाहिए और उसी आधार को मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं 1946 की अगर आरएसएस के और हिंदू महासभा के उस वक्त के बयान को हम लोग ने दोबारा आज देखा तो वो उस नया निकल है। मैंने किसी को वक्ता ने यह कहा कि सरकार आने के बाद जनता को हॉइस कर रही है, उसको सलामी दे रही, ये बात नहीं है। 2014 में पहली सरकार आई तो नागपुर के दो कार्यकर्ता ने सुबह 10 बजे जाके पुलिस में FIR किया, ये कहा कि आरएसएस का जो रेशन कार्ड का जो ऑफिस है उसमें तिरंगा फहराया नहीं है, लफा लफा उस केस को वहां पर हो गया और आज जबरदस्ती आके ये कर है। ये भी अगर इतिहास को हम देखें 23 जुलाई उन 50 सरदार पटेल और आरएसएस पे उस समझौते की बुनियाद तीन बातों पर, क्योंकि सभी को रिहा करना था, इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि अगर आपको रिहा करना है तो आपको शर्त मानी और शर्त यह थी कि संविधान का दूसरी शर्त यह थी कि जो तिरंगा है आत्मा चक्र का इसको तीसरी बात क्या है ये थी कि आपके ऑफिस पर ये तिरंगा झंडा लगाया जाएगा हर साल। ये गवर्नमेंट ऑर्डर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने दिया कि मैं तारीख 23 जुलाई 1950 को जो है सरदार पटेल ने पता नहीं मुझे, क्योंकि एक पार्टी और दूसरी पार्टी का समझौता जब होता है तो सरकार के आदेश की बात है, लेकिन सरदार पटेल ने उस वक्त जो है सरकार के आदेश निकाले थे और कहा था कि आरएसएस को हम लोग जो कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी हत्या के बाद उनको जो पकड़ा गया था उनको रिलीज हम लोग कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ये है कि जो किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास दोबारा अपने आप में लड़ा और इस लड़ाई में अगर हम लोग को जीतना है
जिस चट्टान के सदस्य जिस चट्टान की तरह शरद यादव ने इस मनुमाली के साथ जाने से इनकार कर लिया है, उसी तरह हनुमानी चट्टान होना मैं जानता हूं कि सत्ता हासिल करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन यहां जो दुनिया है उस विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ मैं किसी प्रकार की प्रधानता नहीं करूंगा। ये जो विषय शरद यादव ने कहा और पता है, मैं समझता हूं हम सब ने उनको सराहना करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और उनको सलाम करना। शरद यादव से आगे आप लोग होगा कि आपने मुझसे करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये व्यवस्था की लड़ाई है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। इस व्यवस्था की लड़ाई में क्या हम लोग पब्लिक सेक्टर के साथ में है, क्या हम लोग वेलफेयर स्टेट के साथ में, ये तय करना होगा। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इस प्राइवेट सेक्टर को सरकार कंट्रोल, न्यूनतम सरकार, दोनों चीजें एक न्याय में क्या है। अगर हमको वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को मान लिया है तो हम लोगों को यह डिसाइड करना होगा कि कौन सा सेक्टर पब्लिक सेक्टर रहेगा और कौन सा सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर रहेगा। इसकी बुनियादी लड़ाई हम जब तक नहीं करते तब तक मैं मानता हूं कि आगे से जैसे कोशिश है उनको हम लोग रोक नहीं सकते, हम लोग इसको रोक नहीं सकते। हम यही तलवार अगर दो मैन में रखते चाहेंगे तो मेरे ख्याल से आज तक संभव नहीं है और वही हम लोग यहां पर करेंगे। और इसमें तीसरा जो दूसरा मुद्दा इसमें जो है कि धर्म का स्थान, किसी ने सदस्य की बात करी लेकिन मैं कहूंगा मैंने भारत को जो है दो हिस्सों में बांटा, इंडिया के नीचे और इंडिया के ऊपर। विद्या के नीचे जो है वो धर्म जो है वो अपनी खुद की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ करते हैं, वो धर्म को पब्लिक लाइफ में आना चाहिए। उत्तर भारत में विद्या के ऊपर का इलाका जो है यह विद्या के ऊपर के इलाके में धर्म को पब्लिक लाइफ में हम मानते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है उसे वो मानते हैं। और इसलिए धर्म के नाम से जो संकट आता है उत्तर भारत एक तरफ जाते हुए दिखाई देता है और दक्षिण भारत जो है वो दूसरी तरफ दिखाई देता है। इसलिए हमको ये तय करना होगा कि धर्म का स्थान क्या है। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि धर्म ये मेरी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, मैं किसको मानूं या किसको ना मानूं, तो मैं समझता हूं इस चीज की आधी समस्या खत्म हुई, ऐसा नहीं आपको मानूं। मैं इस बात को इसलिए बोला रहा हूं कि आदिवासी की अपनी जिंदगी है, मानवीय की अपनी बात नहीं। आदिवासी जो है वो निसर्ग जो है उसको ही भगवान, उसमें कोई मूर्ति नहीं। हम लोग किसी एक मूर्ति को भगवान मान, दोनों के सीधे जानते हैं। तो हमको सिर्फ कल्चर की हम जब बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि क्या हम लोग ये मानने के लिए तैयार है कि आदिवासी की जो जिंदगी है वो आदिवासियों की जिंदगी जो है वो निसर्ग के साथ है और हम लोग की जो जिंदगी है वो किसी एक मूर्ति के साथ है, क्या हम लोग उसको मात्र मानने के लिए तैयार है। अगर हम लोग मानने के लिए तैयार होते तो शायद समझता है कि और एक बात हम मानते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम, दुनिया के जितने क्रिश्चियन है दुनिया में जितने मुसलमान है उनमें फर्क यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास है और जो तेल है वो मुस्लिम राष्ट्रों के पास, और इसलिए एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए तैयार, एक दूसरे पर कब्जा, तो उनकी लड़ाई चलती।
इस भारतीय व्यवस्था में भी जहां निवासी रहता है वो ये वो जगह खनिज मिनरल्स हो सोना हो लोहा हो कोई भी हो ये सभी इलाका जो है आदिवासी आदिवासी इलाके क्या हम उनकी बात समझने के लिए तैयार है? वो कहता है कि मैं आयु के खिलाफ मैं मट्टी बेचने के खिलाफ ये जो मेरे यहाँ की मट्टी है इसमें सोना है लोहा है तांबा है पीतल है इसको मेरे जाके बाहर के देशों में बेच रहा है इसमें वैल्यू एडेड नहीं हो रहा है अगर वैल्यू एडेड होता तो यहाँ के देश के जो नौजवान है उसके हाथ में रोजगार उसके हाथ में रोजगार होगा। आज भी लोग जो है उसकी इस लड़ाई में हम लोग सहयोग दिया तो मैं समझता हूँ सरकार की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के मैं समझता हूं कि हम लोग की बुनियाद जो है वो बुनियाद जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक मैं समझता हूं कि हम लोग आरएसएस बीजेपी के साथ लड़ नहीं सकते। मैं आखिरी आखिरी बात यहां पर आपको कहूंगा शरद यादव जी का गुजारिश करता हूं प्रेसिडेंट का चुनाव हम लोग लड़ते तो शायद ये जो मूवी इनविंसिबल जो बना हुआ है तीन चार महीने के बाद गुजरात का इलेक्शन उस गुजरात इलेक्शन के लिए भी आप किसी तरह की मीटिंग बुलाइए जो आए उनके साथ जो ना आए उनकी इंतजार करते हुए हम गुजरात की लड़ाई हम ऊना के लड़ाई में मैं उसका एक सूबेदार था गुजरात की बस्ती को मैं अच्छी तरह से जानता हूं सिर्फ यही है कि हम की लड़ाई जो है शुरुआत पीएमसी ने एक अच्छी बात की किसानों की बात की बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली किताब लिखी वो किसानों के लिए स्मॉल होल्डिंग्स इंडिया और आज मैं समझता हूँ उसको 100 साल पूरे हो गया 100 साल पहले उन्होंने जो किसानों की बात कही उसमें एक इंच भी अंतर नहीं आया जो बात उन्होंने 100 साल कही कि किसानों का जो देश है और इस किसानों के देश देश में किसानों के लिए क्या करना चाहिए उसका जो प्रावधान उन्होंने जो 40-50 वीडियो केसेस थी उससे उन्होंने जो लिखा था मैं समझता हूँ कि अगर उसी को ही हम बुनियाद बना के चले तो यहाँ किसान को हम राहत दे सकते हैं और उसी परिस्थिति को अगर हम लोग आगे ले जाए उसके लिए मूल्य की जो समस्या है उस मूल्य की समस्या से भी यहाँ की सरकारें किसानों को अच्छी जिंदगी गुजारने में मौका यहाँ पर इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ सभी तमाम बैठे हुए लोग है आज हम लोग खुली बैठक है इस खुली बैठक में सब चीजें नहीं कही जा सकती इसलिए छोटी बैठक को हमारे मुद्दे क्या हो साथ आने के मुद्दे क्या हो किस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर लड़े ऐसा ना हो कि राज्यसभा में दो मोदी खाती है अलग अलग और वही मुद्दा चलेगा तो ऐसी बात ना हो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं नेशनल सी से 1990 से करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति नहीं चंद्रशेखर जी के लॉन्गमार्च में था विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी था लेकिन उसके बाद की जो राजनीति है वो मैंने नजदीक से देखी है दोबारा अगर शरद यादव आगे आते हैं तो उनको जवाब देता हूँ गुजरात चिता के रखूंगा।